उनका एक तो मेन बोर्ड होता है क्या होता है एग्जैक्टली मेन बोर्ड जिस स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो बहुत सारे होते हैं है ना एक तो मेन बोर्ड होता है जो सबसे मेन होता है इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक इश्यू लाके लिस्ट होती है फिर उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जैसे आपको याद होगा एसएमई एम प्लेटफॉर्म होता है उसमें छोटी छोटी कंपनीज आती हैं है ना उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली जो स्टार्टअप कंपनी सब होती थी उन सब के लिए था अब इसी का नाम बदल के आईटीपी का नाम बदल के कर दिया गया है आईजीपी है ना अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल गया है इसी का नाम हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म तो स्टॉक चेंज के इस प्लेटफॉर्म पे वही कंपनीज़ आएंगी जो इनोवेटिव होंगी इनोवेटिव का मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नए नए इन्वेंशंस करने वाली स्टार्टअप कंपनीज अर्ली अर्ली एज स्टार्टअप कंपनीज ये सारी कंपनीज यहाँ पर क्या होती हैं लिस्ट होती हैं और इनके लिस्टिंग के लिए जो कि स्टार्टअप कंपनीज होती हैं इनकी लिस्टिंग के जो रूल्स हैं रेगुलेशन हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं है ना तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो चलो तुम्हें सबसे पहले यह पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ही नाम बदल गया है अब उसका नाम क्या हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई कह रहे हैं तो देखिए ये सब कैसे हुआ देखो सबसे पहले सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला फिफ्थ अप्रैल टू को और उसके बाद उन्होंने क्या किया से बी रेगुलेशन के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करके एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जिसको पहले क्या कहा जाता था अर्षवर्ल्ड का मतलब पहले पहले क्या कहा जाता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अब नाम हट गया उसी का नाम अब क्या हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म अब बात यह आती है कि सर इस प्लेटफॉर्म पर किन की लिस्टिंग होगी तो इस प्लेटफॉर्म पर उन इश्यूअर की आप जानते हैं सिक्योरिटी लॉ में कंपनी को हम इश्यूअर बोलते हैं उन इश्यूअर्स की लिस्टिंग होगी देखो जिनका यह काम होगा विच आर इन इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा एनालिटिक्स बायो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी और प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विसेज़ और बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम दैट इज़ न्यू एज स्टार्टअप मतलब आप इस पूरे को घुमा के आप uh, कह सकते हैं कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो न्यू एज स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप्स हैं न्यू एज का मतलब नए नए चीज़ों को लेके वो आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं उस नई चीज़ों से सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होगा अब इसके लिए सेबी ने इस आई के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए सेबी ने सेबी आई सी रेगुलेशन को क्या किया था एग्जैक्टली exactly? आपको चेंज किया था अब यहां पे इसमें फिर से चेंज किया गया है तो सेबी आई सी सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 और उसके बाद कुछ चीजें ऐड हुई हैं वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके ठीक है चलिए अब देखना स्टार्ट कीजिए एग्जैक्टली exactly. क्या है तो पहले आई आया और आई का ही फिर एग्जैक्टली exactly आपका नाम बदल के क्या हो गया आई हो गया है ना आई का ही नाम बदल के क्या हो गया आई तो चलिए सबसे पहले जनरल जनरल में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल के कर दिया गया अब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म उसके बाद पहले जब ये आईटीपी होता था तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते थे उसको बोलते थे अक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स अब उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स है ना तो जो ऐसी कंपनीज़ में पैसा लगाएंगे जो कंपनीज़ का लिस्टिंग कहाँ होना होने वाला है एग्जैक्टली आई के ऊपर तो फिर उसको कहा जाता है आई इन्वेस्टर आई इन्वेस्टर बाकी अगर आपने उस इश्यूअर ने पहले मतलब आईजीपी पर लिस्ट होने से पहले अगर उन्होंने एसार इक्विटी शेयर इश्यू किया है इक्विटी शेयर समझते हैं आप है ना ऐसे प्रमोटर्स को इशू किया जाता है जिनके पास पैसा कम है लेकिन उन्हीं के बुद्धि से वो कंपनी बनी है तो सो एस टू रिवॉर्ड की चलो कुछ दिन तक टेम्पररी पीरियड के लिए आपके पास बेटर कंट्रोल रहे कंपनी के ऊपर तो उनको एस आर इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं ऐसे इक्विटी शेयर जिसमें सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं है ना? तो अगर उन्होंने एस आर इक्विटी शेयर्स इशू किया हुआ है अपने प्रोमोटर्स या फाउंडर्स को तो एक बात का ध्यान रखना है अब आईजीपी पर वो लिस्ट होने जा रही है कंपनी तो आईजीपी पर लिस्ट होने के लिए जो आईपीओ लेके आ रही है उस आईपीओ में सिर्फ ऑर्डनरी इक्विटी शेयर ही बेचे जाएंगे ना कि एसआर इक्विटी शेयर याद रखिएगा एसआर इक्विटी शेयर सिर्फ प्रोमोटर्स फाउंडर्स को दिया जाता है पब्लिक को नहीं दिया जाता है तो याद रखिएगा अगर आपने एस आर इक्विटी शेयर पहले से इशू किया हुआ है तो भी आईपीओ के अंदर तो नॉर्मल इक्विटी शेयर ही बेचे जाएंगे एसआर इक्विटी शेयर्स को आप बेच नहीं सकते उसके बाद इशू साइज में थोड़ा सा चेंज है है ना आप अगर चाहें तो 60 परसेंट ऑफ इशू साइज 60 परसेंट ऑफ इशू साइज आप एलिजिबल इन्वेस्टर्स, जनरली आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर सब होता है वो सब क्यूआईबी होता है यहाँ क्यू के जब हो जाएंगे आई इन्वेस्टर्स तो आप एलिजिबल इन्वेस्टर्स को 60% परसेंट ऑफ द इशू साइज तक पहले ही एलोकेट कर सकते हैं इवन इशू ओपनिंग से पहले मतलब यहां पर देखा जाए तो जो आई इन्वेस्टर्स हैं जिसको हम एलिजिबल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं उनके लिए 60 परसेंट तक का रिजर्वेशन हो सकता है बाकी अब रिजर्वेशन इन लोग के लिए हुआ हुआ है ये लोग बड़े लोग हैं तो इनका जो प्राइस है वह अदर अप्लीकेट से कम नहीं होना चाहिए ज्यादा जरूर हो सकता है तो आप कुछ हद तक इसको क्यू जैसा मान सकते हैं उसके बाद जो मिनिमम अपलिकेशन वैल्यू होगा इस पब्लिक इशू के अंदर वो पचास लाख होगा पचास लाख से कम का अप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे उसके बाद अगर आपने पहले से एस आर इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है तो याद रखिएगा वो लॉक इन पीरियड में रहेगा तब तक जब तक कि वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए आप जानते हैं जनरली अगर आपने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है और अगर आप अगर कुछ सी प्रोफेशनल के बच्चों को ऐसा हो सकता है कि सर ये सार इक्विटी शेयर वाली कहानी हम नहीं पढ़े हैं तो अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से इसका यूट्यूब प्रेमियर चलवा दूंगा जो नया पब्लिक इशू मैंने पढ़ाया है अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नया पब्लिक इशू सर आपने पढ़ाया उसका प्रेमियर चलवा दीजिए पर प्रेमियर एक बार चलेगा इस बात का ध्यान रखिएगा एक बार चलेगा यूट्यूब पर उसके बाद डिलीट हो जाएगा तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना व्हाट्सअप पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सी एस प्रोफेशनल के रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं न्यू पब्लिक इशू फिर से चलवा दूंगा और प्रीमियर पे चलेगा एक बार चल के वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके अंदर एसआर इक्विटी शेयर के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है तो याद रखिएगा जनरली वो होता है कि लिस्टिंग के पाँचवें साल में वो फिर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो जब नॉर्मल कन्वर्जन हो जाएगा नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में वहाँ तक या जिस दिन

जब अलॉटमेंट के छः महीने के बाद मतलब याद रखिएगा हर हालत में अलॉटमेंट के छः महीने के बाद ही आपका वो लॉक इन से छूटेगा अगर उसका कन्वर्जन पहले भी हो जा रहा है फिर भी फिर वो लॉक इन से छूट नहीं पाएगा तो याद रखिएगा लॉक इन से कब छूटेगा वो जिस दिन उसका नॉर्मल कन्वर्जन हो रहा है इनटू इक्विटी शेयर और जिस दिन इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट हुआ उससे छः महीने के बाद विच ए ब्रज लेटर इसका मतलब किसी भी हालत में अलॉटमेंट के छह महीने के बाद ही उसका लॉक इन टूटेगा उससे पहले लॉक इन टूटने वाला नहीं है उसके बाद एक बार अगर आप आईजीपी पर लिस्ट हो गए तो क्या आईजीपी को छोड़कर छोड़ सकते हैं तो ये देखिए एग्जिट फ्रॉम द आईजीपी याद रखिएगा अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होना चाहिए फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए बाई पासिंग द एस आर बाय पासिंग द एस आर अब एस आर आपको पास करना थ्रू पोस्टल बैलेट या ई e वोटिंग के थ्रू उसमें भी मेजोरिटी शेयर होल्डर जो वोट करेंगे वो पब्लिक शेयर होल्डर होने चाहिए दूसरा अगर आप एग्जिट करेंगे तो इसका मतलब आप डी लिस्टिंग कराएंगे आई से इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से तो उस केस में डीलिस्टिंग के समय में आपको मालूम होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है तो एग्जिट प्राइस आपको तय करना है एज पर रेगुलेशन एट ऑफ सेस्ट रेगुलेशन रेगुलेशन एट ऑफ सेस्ट रेगुलेशन सेस्ट रेगुलेशन जानते हैं से बी टेक ओवर कोड कि रेगुलेशन एट में ऑफर प्राइस का वहां एक फार्मूला है उसी फार्मूला के थ्रू यहाँ पे एग्जिट प्राइस तय होगा और उसके ऊपर अगर आप डी लिस्टिंग प्रीमियर देन, प्रीमियम देने का मन बना रहे हैं जो अक्वायर है या प्रोमोटर है अगर प्रीमियम देना चाहता तो दे तो तो है तो प्रीमियम भी दे सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं तो ये आप जानते हैं प्रीमियम तो हमेशा क्या होता है ओवर एंड अभव तो फ्लोर प्राइस हो गया बेस प्राइस उसके नीचे का प्राइस नहीं होगा एग्जिट प्राइस उसके ऊपर का ही प्राइस होगा एग्जिट प्राइस और उसमें आप प्रीमियम जोड़ना चाहें तो प्रीमियम जोड़ दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन यह भी है कि कम से कम फिफ्टी परसेंट पब्लिक शेयर होल्डर का शेयर है ना वो टेंडर हो पब्लिक की तरफ से और उसको कंपनी एक्सेप्ट भी करे इसका मतलब 50 परसेंट पब्लिक शेयर होल्डर का एग्जिट हो जाने चाहिए और याद रखियेगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आप लिस्टेड थे जिस स्टॉक एक्सचेंज के आई पर आप लिस्टेड थे उसका भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा उसके बाद हो सकता है कि आपने डी लिस्टिंग के बाद सोचा हो कि हम मेन बोर्ड पर माइग्रेट करेंगे क्योंकि हर कंपनी का सपना होता है कि वो मेन बोर्ड पर जाए तो आप मेन बोर्ड पर जा सकते हैं बशरते कंडीशन रहेगा कि आपका जितना भी कैपिटल है उसका फिफ्टी परसेंट क्यू आई बी के पास होना चाहिए जैसे ना आप अप्लीकेशन लगा रहे हैं फॉर माइग्रेशन टू द मेन बोर्ड मतलब आपके आपके पूरे पब्लिक इशू के पब्लिक इशू क्या पूरा पूरा कैपिटल जो भी आपके कंपनी का कैपिटल है उसका 50 परसेंट क्यू के पास होना चाहिए तभी आप मेन बोर्ड पे क्या कर पाएंगे आप माइग्रेट कर पाएंगे तो ये आ, छोटा सा था आईजीपी के ऊपर जो मैंने आपको बता दिया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ये सीएस एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी लॉ के लिए भी है और सीएस प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के लिए भी है ठीक है